नमस्कार फ्रेंड्स, टेकडम की और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के एयर फाइबर के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जियो का एयर फाइबर सर्विस जो है वो 19 सितंबर से ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ था, 8 ही सिटी में अवेलेबल हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट जियो की तरफ से आया है कुछ दिन पहले, तो जियो का जो एयर फाइबर सर्विस है वो टोटल 115 सिटी में अवेलेबल हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। तो जो सिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें टोटल आठ आठ स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो ये आठ स्टेट के कुछ सिटियों में जियो का एयर फाइबर सर्विस जो है अब अवेलेबल है। इसको आप चेक करना चाहे तो आप जा सकते हो jio.com की वेबसाइट में, वहां पे आप ये एयर फाइबर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और एयर फाइबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसके बारे में सारे जानकारी ले सकते हो कहाँ पे अवेलेबल है। तो बात यह है कि मेन चीज है कि जो ये जियो का एयर फाइबर सर्विस है ये बेसिकली अवेलेबल होना था गांव में, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनको एयर फाइबर सर्विस की बहुत जरूरत है। लेकिन फिलहाल के लिए जियो क्या कर रहा है, पहले इसको मेट्रो सिटी में लेके आया, फिर धीरे धीरे कुछ सिटियों में एक्सपांड कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है जियो का एयर फाइबर लेने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज है कि जो सिटी जियो यहाँ पे लिस्ट में दे रहा है, क्या जियो एयर फाइबर उसी सिटी में अवेलेबल है या कहीं और भी अवेलेबल है? अब देखो, ये जो सिटी धीरे धीरे जियो अपडेट कर रहा है उसके वेबसाइट में, तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि जहां पे पूरे कंफर्मेशन हो गया कि भाई हाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है, लोग उसके लिए रिक्वेस्ट जो है जनरेट करा सकते हैं, वो कर सकते हैं, जियो उस इंफॉर्मेशन को लाके वेबसाइट में दे रहा है। हालांकि आप ऐसे भी देखोगे झारखंड के कुछ सिटी में भी आपका ऑलरेडी जियो एयर फाइबर अवेलेबल है, जो कि कुछ लोग लगा रहे हैं और हमारा भी कुछ कम्युनिकेशन हुआ था तो वो अवेलेबल है। फिलहाल के लिए मैंने ओडिशा के लिए चेक किया था तो ओडिशा में बेसिकली अब कोई भी सिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ झारखंड में है, लेकिन झारखंड यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सिटी है जिसमें जियो का एयर फाइबर सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन जियो ने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं गांव के लिए, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि जनवरी तक भी आ जाए, दिसंबर या जनवरी में जियो अपना जो एयर फाइबर है उसको ले आए गांव में, या फिर उससे आगे भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर आपकी सिटी में अभी अवेलेबल नहीं है तो आगे ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और जियो एयर फाइबर में बाकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह का कनेक्शन आपको मिलते हैं। एक कनेक्शन होता है जिसमें जियो क्या करता है, एक स्विच की तरह डिवाइस लगा देता है जिससे मल्टीपल कनेक्शन दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी हो गया या फिर कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो वहां पे एक जो आउटडोर यूनिट है जियो का वो लगाया जा सकता है और उसमें से लगभग 8 कनेक्शन दिया जा सकता है। मतलब 8 लोगों का जो कनेक्शन होगा उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आउटडोर यूनिट की जरूरत नहीं है, एक ही आउटडोर यूनिट से काम हो जाएगा, जिससे जियो का भी कुछ पैसा बचेगा। दूसरे टाइप का कनेक्शन है जो कि स्टैंड अलोन आप मान सकते हो, जिसमें क्या है कि आप कनेक्शन ले रहे हो तो एक आउटडोर यूनिट आपके लिए लगेगा और उससे आपको कनेक्शन मिल जाएगा, जिसमें जियो को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई नया कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये घर पूरा आइसोलेटेड है, तो उनके लिए जियो ऐसा कर रहा है। और प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइस में ऐसा है कि प्लान के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको पहले वीडियो में एक बार बता चुका हूँ, फिर भी हम एक बार प्लान को देख लेते हैं। इसमें दो तरह का प्लान आपके होते हैं, एक होता है आपका एयर फाइबर नॉर्मल वाला प्लान जो कि अप टू 100 Mbps तक है, दूसरा प्लान आपका होता है एयर फाइबर मैक्स जो आपका बेसिकली 300 Mbps से लेके 1 Gbps तक का है। तो इस प्लान को हम नॉर्मली, इसमें जो स्टार्टिंग कम से कम प्राइस का प्लान है वो 599 का है, जिसमें इंटरनेट के स्पीड के बारे में अगर आप बात करो तो ये स्पीड आपको 30 Mbps का मिलता है, जो कि जियो फाइबर अगर आपके पास कनेक्शन है तो ये सेम प्लान आपको 399 में मिल जाता है, 399 प्लस जीएसटी 18%, यहाँ पे भी आपका जीएसटी है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये है कि आपको कुछ एप्लीकेशन के एक्सेस मिलते हैं, जैसे आपका हो गया डिजनी प्लस हॉटस्टार हो गया, आपका सोनी लिव हो गया, जी फाइव हो गया, तो ये सारे चीज का आपको एक्सेस मिल जाता है, लेकिन 399 वाला प्लान में आपको ये सारे चीज नहीं मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। और इसमें आपको कनेक्शन के साथ क्या क्या मिलेगा अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो कनेक्शन में आपको एक इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको एक राउटर मिलेगा, आउटडोर यूनिट आपको मिलेगा, स्विच आपको अगर आपके पास फ्यूचर में कोई दूसरा लोग है आसपास में जो लेना चाहेगा या फिर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो उस केस में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप मान लो आपको एक राउटर मिलेगा इंटरनेट के लिए, दूसरा चीज,
आपको एक सेटअप बॉक्स मिलेगा जिसे आप टीवी पे लगा सकते, लगा के आप अपने सारे कंटेंट वगैरह टीवी चैनल्स भी देख सकते हो जो भी जियो टीवी में आते हैं। उसके साथ साथ आप ओटीटी एप्लीकेशन को भी वहां से एक्सेस करा सकते हो, ये आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा। और इसके साथ साथ उस सेटअप बॉक्स में आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स भी मिल जाएंगे। जैसे जियो फाइबर के अगर आप 399 प्लान के बारे में बात करते हो तो वहां पे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्स, लगभग 800 चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हाई डेफिनेशन के भी चैनल्स मिलेंगे और स्टैंडर्ड के भी मिल जाएंगे सारे चैनल्स। तो एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो अगर आप 599 पे करते हो तो उसमें आपको इंटरनेट तो मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको जैसे आप जो भी चैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उतने सारे चैनल्स को अगर आप देखने जाओगे टीवी पे, तो किसी डीटीएच के बारे में अगर आप बात करते हो, वहां से अगर डीटीएच कनेक्शन वगैरह लेते हो, तो आपको कम से कम 400 से 500 रुपया तो देना पड़ेगा महीने, ठीक है। बट यहाँ पे देना नहीं है आपको, जियो जो सेटअप बॉक्स देगा उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन उसमें कोई एंटीना वगैरह आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपका इंटरनेट से ही चलेगा। जैसे मान लो आपके पास 30 Mbps का स्पीड है, आप हाई डेफिनेशन चैनल देख रहे हो जिसके लिए आपको 10 Mbps का स्पीड चाहिए, तो बाकी 20 Mbps स्पीड आप यूज कर सकते हो, वो टोटली आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका इंटरनेट किसी वजह से चला गया या फिर आप रिचार्ज वगैरह नहीं किए, रिचार्ज नहीं, आप बिल वगैरह पे नहीं किए, कनेक्शन कट हो गया, तो वो भी आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। ये टोटली इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद 100 Mbps के दो प्लान है। पहला प्लान आपको 899 में आता है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल जैसे जो भी आपको 599 में एप्लीकेशन मिलते हैं या फिर ओटीटी मिलते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज मिलते हैं। 1199 के साथ अगर आप जाते हो तो उसमें थोड़ा चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे आपको अमेजन प्राइम मिल जाएगा, उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स का आपको बेसिक वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, उसके साथ साथ जियो सिनेमा का प्रीमियम मिलेगा। ये जो नॉर्मल प्लान है ये आपका जियो सिनेमा प्रीमियम इसमें नहीं है, आप देखोगे नॉर्मल जियो सिनेमा है, लेकिन 1199 के साथ अगर आप जाओगे तो इसमें आपको जियो सिनेमा प्रीमियम मिल जाएगा, जिसमें आप प्रीमियम कंटेंट भी देख सकते हो। और मैक्स प्लान यही है, मैक्स प्लान 1499 से चालू होता है, जिसमें आप देख सकते हो आपको अमेजन प्राइम भी मिल जाता है, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा प्रीमियम सब कुछ मिलता है, 300 Mbps का स्पीड भी मिल जाता है। और 2499 में भी सेम चीज, पर स्पीड आपका बढ़ जाता है 500 Mbps। 3999 में आपका स्पीड जो है वो 1 Gbps हो जाता है। और जो आपका पहले वाला प्लान है 599, तो इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह बना के रखा है कि उनको 1000 GB का कुछ मिल रहा है एक्सेस, उससे ज्यादा नहीं है, तो आई एम नॉट प्रेटी श्योर कि उनको मिल रहा है कि नहीं, तो ये बाद में हम कंफर्म करा देंगे आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला तो। तो बस यही चीज है। और बुक करने के लिए आपके आपके एरिया में आ जाता है और आपको बुक करना है तो उस केस में आप जियो स्टोर वगैरह विजिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप गेट जियो एयर फाइबर करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहले आपके पास आपसे आप ये 100 रुपीज ले लेंगे, फिर उसके बाद आपके वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होना है, आपकी जगह लोकेशन पे इसका सिग्नल वगैरह है कि नहीं, वो सारे चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर आप 6 महीने प्लान के साथ, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइधर आप 6 महीने की प्लान के साथ जाओगे या फिर आप 12 महीने प्लान के साथ जाओगे, इससे कम वाला कोई प्लान अवेलेबल नहीं है नया कनेक्शन लेने के लिए। 6 महीने के प्लान के साथ अगर आप जाते हो तो 599 का जो प्राइस है वो x6 करा दो, उसके साथ आपको 1000 रुपीज का इंस्टॉलेशन लगेगा, और ये जो 599 x6 आपने किया इसके ऊपर 18% GST आपको लगेगा। टोटल आपका जितना प्राइस बनेगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, तो ये प्राइस लगभग आपको आएगा, ये हो गया आपका 599 x6 प्लस 1000, टोटल आपका 4594 बनते हैं, उसके साथ आपको देना पड़ेगा 18% का GST, जो टोटल मिला के आपको 5420 होता है। अगर आप 12 मंथ के लिए सेम प्लान के लिए जाते हो तो 12 मंथ में आपको क्या होगा कि सेम प्लान का चार्ज x12 आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ेगा, जो 1000 रुपीज का इंस्टॉलेशन है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपका टोटल प्लान का प्राइस बनते हैं 7188, उसके साथ अगर हम 18% GST करा देते हैं तो आपके टोटल है हो जाएंगे प्राइस 8481 या 82 रुपीज आपको देना पड़ेगा। इससे आपका कनेक्शन जो है लग जाएगा और 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा इंटरनेट का एक्सेस, वो सारे चीज आपको मिल जाएगा। तो ये सारे और कुछ एक्स्ट्रा इसमें है कि नहीं, आप जब बुक करोगे तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, तो आप बुक कर सकते हो और उसके बाद सारे जानकारी ले सकते हो, या फिर अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप लोकल स्टोर वगैरह जो भी है या फिर जो जो जियो फाइबर का बंदे हैं आप उनसे भी बात करके इसके बारे में कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारे जानकारी था जियो एयर फाइबर के बारे में। इसे छोड़ के भी अगर आपके पास कोई दूसरा सवाल वगैरह है जियो एयर फाइबर को लेके तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभु जगन्नाथ आपका दिन मंगलमय करे। जय जगन्नाथ।